कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई बोले, हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता, महिलाएं वर्क प्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, डॉक्टर्स को सुरक्षा का माहौल मुहैया करवाया जाए, खासतौर पर महिला डॉक्टर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की, कहा जांच अभी नाजुक दौर में, इसलिए सीधे रिपोर्ट करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बोले सीजीआई, कहा सभी डॉक्टर हम पर भरोसा करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल पूछे, कहा हत्या और रेप का केस दर्ज होने में देरी क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवीआनंद बोस, कोलकाता रेप मर्डर केस की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन, आजकल अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा, पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय, पुलिस स्टिकर वाली बाइक को किया गया जब्त। कोलकाता रेप केस पर बोली आरोपी संजय रॉय की सास, चाहे तो उसे फांसी दे दो, वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत सभी सरकारी अस्पताल और संस्थान के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार के आधार कार्ड बनवाएं, इस मामले की गहन जांच की जरूरत। गिरिराज सिंह ने कहा, वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को रेड कार्पेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक। थाने में दो नाबालिग बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण, अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी सफाई कर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को किया सस्पेंड, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मांगी थी सुरक्षा गारंटी। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार, तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन, शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद, इंटरनेट सेवा पर भी रोक। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका, विधायक जशांत सिद्दीकी और हीरामन खोसकर एनसीपी अजित पवार गुट में हो सकते हैं शामिल। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जशांत सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज, कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजित पवार के साथ दिखे जशांत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर दिया अल्टीमेटम, सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे बात। महाराष्ट्र सरकार पर भी संजय राउत ने साधा निशाना, बोले आपसी मतभेद में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जर्जर हो गई, इन्हें सरकार चलाने का अधिकार नहीं। मुंबई एआईएमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फयाज अहमद, रईस लश्करिया को दी गई जिम्मेदारी। फयाज अहमद को पद से हटाए जाने पर उनके समर्थक हुए नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जमकर बर्बाद। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा, 21 और 22 अगस्त को दो दिवसीय अधिवेशन होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, 370 और 35 ए की बहाली का दावा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा, ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा नहीं उठता। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम दिल्ली में राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। 23 अगस्त से 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख होंगे शामिल। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैठक, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की परेशानी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का किया नमन, एक्स पर लिखा 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी के 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल ने वीरभूमि पर जाकर पुष्प अर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीरभूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। असम पुलिस ने बीती रात 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, एक के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद, असम सीएम हेमंत ने ट्वीट करके दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने किया हमला, सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूदू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, हम तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे को बेअसर करने की कोशिश कर रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बीती रात हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान, आसपास के इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया, लोगों की पहचान के बाद ही आने जाने दिया गया। सूरत में एक मॉल को मिली बम की धमकी के बाद एक्शन में आई पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम के साथ जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला में बैक टू बैक भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.8 की तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। बारामूला के बाद पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का करेंगे दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित, कहा यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत, दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते पर लगेगी मुहर। बुरुंडी में उपराष्ट्रपति प्रोफेसर बजुम्बजा का दिल्ली में स्वागत हुआ, 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे।